उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया, लेकिन इससे पहले संध्या अर्घ के दिन पूर्णिया में असामाजिक तत्वों ने छठ पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। पूर्णिया जिले के माला गांव में असामाजिक तत्वों ने संध्या अर्घ के दिन करीब 56 छठ घाटों को तोड़कर तहस नहस कर दिया। मामले की जानकारी होते ही हिंदू संगठन एकत्रित होने लगे, जिसके बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। रात में खुद पूर्णिया के डीएम कुंदन कुमार ने मोर्चा संभाला और बढ़ते हंगामे को शांत किया। साथी को दोबारा छठ घाट बनाने में लोगों की मदद करते भी दिखे। छठ घाट पर तोड़फोड़ करने वाले कुछ युवकों की गिरफ्तारी भी हुई। शुक्रवार को सुबह का अर्घ हो जाने के बाद फिर से स्थानीय लोगों के साथ बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुटने लगे। लोगों का कहना है कि छठ घाट पर पुलिस की प्रतिनियुक्ति नहीं थी, अगर पुलिस रहती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच पड़ताल के साथ ही माहौल को शांत रखने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।